चीन में कोरोना से हलाकतों में तेजी आ गई। खतरनाक जानलेवा वायरस मजीद 124 जाने निकल गया। हलाकतों की तादाद 1491 तक जा पहुंची। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 64,000 से तजावज कर गई। चीन में कोरोना से अमवात का सिलसिला रुक ना सका। खतरनाक वायरस से मजीद 124 अफराद लुकमय अजल बन गए। मरने वालों की तादाद 1491 हो चुकी है। चीनी सूबे हुबई में 4823 नए केसेस सामने आ गए। बीमारी से चीन में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 65,000 के करीब है और मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है। दूसरी जानब चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक एक रोज में इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें और मुतासर अफराद की तादाद सामने आने के बाद कोरोना वायरस के मुतासर सूबे हुबई के कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ को फारिग कर दिया गया है। शंघाई के मेयर येंग युंग को हुबई कम्युनिस्ट पार्टी का नया सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। चीन से फैलने वाला कोरोना वायरस 28 दीगर मुल्कों में कई अफराद को बीमार कर चुका है। जापान में भी कोरोना ने एक शख्स की जान ले ली। खतरनाक वायरस हांगकांग, फिलीपींस और जापान में भी 3 अफराद की मौत का बायस बन चुका है। जापान की बंदरगाह पर खड़े डायमंड प्रिंसेस नामी बहरी जहाज में अब तक अमले समेत 219 मुसाफिरों में कोरोना वायरस की तशखीस हो चुकी है। जहाज में अमले समेत 531 अफराद मौजूद है।